हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल डबल ग्रामर डोज। दोस्तों, दिस इज अरबी यादव। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सिखाऊंगा। अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए एडवांस ग्रामर भी सिखाता हूँ और बेसिक ग्रामर भी सिखाता हूँ, जो स्पीकिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आपको वहां जाना पड़ता है। यू have to go there। आपको वहां जाना पड़ता है। You have to go there। Next, उसे स्कूल जाना उसे स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school। उसे स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school। हमें पत्र लिखना पड़ता है। Have to write a letter। उन्हें शहर जाना पड़ता है। they have to go to city। तुम्हें बाजार जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू मार्केट। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। ये हैश टू और हैव टू नियम पर आधारित हैं, ठीक है। चलिए इन्हें क्लीन करते हैं। आप चाहो इसे नोट कर लो, ए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सीखते हैं।
उसे कपड़े खरीदने उसे कपड़े खरीदने पड़े। He had to purchase. He had to purchase the clothes. उसे कपड़े खरीदने पड़े। तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ी यू हैड टू हेल्प हिम। तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ी। यू हैड टू हेल्प हिम। मुझे उससे मिलना पड़ा। आई हैड टू मीट हिम। मुझे उससे मिलना पड़ा। आई हैड टू मीट हिम। उन्हें दवाई खानी पड़ी। उन्हें दवाई खानी पड़ी। दे हैड टू टेक मेडिसिन। माली को फूल तोड़ने पड़े। द गार्डनर हैड टू फिलप द फ्लावर्स। माली को फूल तोड़ने पड़े। ये हैड टू नियम पर आधारित हैं। इन्हें आप देख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, एक्सक्यूज और ले लीजिए, क्योंकि मैंने अब तक जो नियम कराए आपके लिए, यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, यूज ऑफ हैड टू एंड यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू, इन नियमों को आधारित मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करा देता हूँ, जिससे कि आप याद कर लो। मेरे चैनल आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, रूल्स भी मिलेंगे साथ में सीखने के लिए, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपके लिए, वर्ड पावर भी दूंगा, एंटोनियम्स एनोनियम्स डेली स्पीकिंग के शब्द भी मिलेंगे जो आपके वर्ब्स होंगे या एंटोनियम्स एनोनियम होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी रहेंगे, एडवांस बेसिक भी रहेंगे और डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस भी रहेंगे, और कुछ अलग से टिप्स भी दिया करूँगा, जो पढ़ने पर वीडियो कॉलिंग रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिला करेगी आपके लिए, जिससे कि आप कन्वर्सेशन को अच्छी तरह देख सको और समझ सको। बस आप मेरे चैनल बने रहिए, आपको सारी चीज़ें अपलोड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपको 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 खाना पकाना पड़ेगा। आपको खाना पकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर फूड। आपको खाना पकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट मम्मी को कमरा साफ करना पड़ेगा। द मदर will have to clean the room। मम्मी को कमरा साफ करना पड़ेगा। द मदर विल हैव टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट राम को किताब बेचनी राम को किताब बेचनी पड़ेगी। राम will have to sell the book। थैंक्स फॉर वॉचिंग डबल ग्रामर डोज। बाय।